वहीं गर्मी का सीजन बढ़ते ही जल संस्थान के लिए पानी की आपूर्ति करना भारी चुनौती हो जाती है। हल्द्वानी की गौला नदी में पानी की उपलब्धता को लेकर भारी कमी आई है। इस बार मई में पानी को लेकर शहर में हाहाकार मच सकता है। अब महज गौला नदी में 68 क्यूसेक पानी ही बचा है। पिछले 10 सालों में भी गौला नदी का जलस्तर कभी इतना नहीं गिरा। हल्द्वानी में रोजाना पीने के लिए 30 क्यूसेक और सिंचाई के लिए 47 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। अधिकारियों का कहना है कि पेयजल आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए ट्यूबवेल पर विशेष फोकस किया गया है। गर्मी के सीजन में ट्यूबवेल की मोटर न फूके इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे कि लोगों को पेयजल की समस्या से न जूझना पड़े। इस बार जो शीतकालीन वर्षा है वो बहुत ही कम हुई है, इस वजह से इसका ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव या वाटर लेवल का प्रभाव या जो गोली नदी का प्रभाव है का जो डिस्चार्ज है वो अभी से इतना कम हो गया है कि शायद अभी जानकारी मिली कि 77 क्यूसेक रह गया है अभी। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें कुछ आएंगी, लेकिन ट्यूबवेल्स तो काफ़ी बने हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्यूबवेल्स के थ्रू चीज़ों को मेंटेन किया जा सके और ट्यूबवेल्स में ब्रेकडाउन ना हो। इस चीज़ के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही कि जितना हम ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं वो किया जाए, क्योंकि गोला पे पानी तो वहाँ नहीं बढ़ाया जा सकता, बट हम अपने इस ब्रेकडाउन को कम करके हम उसकी कोशिश करेंगे कि हम पानी लोगों को दे पाएँ समुचित मात्रा में।